press the bell icon for all the updates. Hello guys, it's New Year and look who I have with me, Rajiv Paul. Welcome to Tele Masala. Thank you so much for having me over, yaar. Aapka show itna mazedar aur masaledar hota hai. Dekhne mein maza aata hai. अच्छा राजीव, न्यू ईयर्स है तो हमने सोचा क्यों ना कुछ बातें हो जाए आपसे, क्यों ना आपसे आपके प्लान्स जाने जाए. तो क्या प्लान है फॉर द न्यू ईयर्स? एक्चुअली न्यू ईयर पे मैं इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता. यूजुअली इफ आई एम होस्टिंग अ शो और समथिंग देन दैट्स इंटरेस्टिंग, बट अदरवाइज आई लाइक टू सेलिब्रेट एट होम एंड विद माई क्लोजेस्ट पीपल, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली. सो दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू. वेरी अनलाइक पीपल, मेरे से वो पार्टी करो उस दिन सब मतलब इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग पता नहीं, आई थिंक दे गो लिटिल ओवरबोर्ड विद मस्ती. सो थोड़ा सा सेफ प्ले करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील. फ्रेंड्स एंड फैमिली. अच्छा, आज क्या करने वाले हो, आज कहाँ आए हो? आई एम हियर एट रेडिसन एंड आई एम हियर विद अंजलि एंड चिया, माय क्लोजेस्ट बडीज, एंड दिस लिटिल बेबी. She's very quiet right now, but I think in a while she's going to become the naughtiest child you've ever seen, and that's Anjali. So I thought if we are going to have dinner, then why not have it together? Yes. अच्छा 2017 की बात करें राजी, तो कैसा रहा आपके साथ, आपके लिए ये पूरा साल? 2017 में मैं काफ़ी टाइम के बाद टेलीविज़न पे वापसी की, एक शो शुरू किया जिसका नाम है झिझिमा, और थैंकफुली शो अभी हमारा 9 अक्टूबर को शो शुरू हुआ एंड इन 2 months वीव डन प्रीटी वेल. अभी अब मैं नज़र नहीं लगाना चाहता, लेकिन यार चार्ट्स के हिसाब से यू मस्ट बी नोइंग इज़ डूइंग वेरी वेल. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट इट्स माई कमबैक शो एंड इट्स वेरी वेल रिसीव. लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सिर्फ हमारा शो ही नहीं, हमारा पूरा चैनल स्टार भारत, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई थिंक माई पेरेंट्स आर ब्लेसिंग मी फ्रॉम अप देयर, बिकॉज लास्ट ईयर लॉस्ट माई फादर एंड 3 years बैक आई लॉस्ट माई मॉम. सो आई थिंक इट्स देयर ब्लेसिंग्स दैट गॉट मी दिस शो एंड द फैक्ट दैट द शो इज़ डूइंग सो वेल. सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग होती है, यू लूज सम, यू विन सम. So work-wise, it's been very, very, it's one of the good years कि आप इतने, मेरे ख्याल से बिग बॉस के बाद मैं एक रेगुलर टेलीविजन शो आप कर रहा हूँ एंड थैंकफुली कमबैक शो जब हिट हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है. मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी टू अ न्यू बिगनिंग ऑगस्ट 2017 में. दैट फिल्म ऑल्सो डिड वेरी वेल, इट वॉज अ टॉप 10 फिल्म, इट वॉज अ ट्रेंडिंग फिल्म ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज. And it was a very different film. It's still there on YouTube, so people can watch it. So I think it's been interesting to make a comeback in this year. 2017 की बात करें तो एक और शो जो है अभी चर्चा में है, बिग बॉस. तो उसकी बात करें, फॉलो करते हो आप, कैसा लग रहा है इस ये सीजन आपको? ऑफ कोर्स बिग बॉस इज अ शो जिससे मैं लास्ट डे तक जुड़ा था मेरे सीजन में 6 में, एंड लोगों को काफ़ी चीज़ें याद हैं. इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चर्चा में हिना है. आई डोंट नो हर पर्सनली. जब शो शुरू हुआ था तब मैंने कहा था कि हिना, हितेन एंड प्रियांक में से कोई जीतेगा. अनफॉर्चुनेटली हितेन आउट हो गए हैं, प्रियांक और हिना कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो इस वक्त विनर लगेंगे. लेकिन बहुत टर्न अराउंड जो हुआ है शो में, विकास एंड शिल्पा का बहुत टर्न अराउंड हुआ है. ये शो ऐसा होता है, शुरू में लगता है कि यार ये जीत ही जाएगा, ये तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बुरा होगा, लेकिन जैसे जैसे शो चलता है लोगों की धारणाएं बदलती रहती हैं, लोगों की फीलिंग्स बदलती हैं, लोग भी बदल जाते हैं. जो बुरा था वो अच्छा हो जाता है, जो अच्छा है वो बुरा हो जाता है. आई थिंक इस वक्त करंट फेवरेट्स आ शिल्पा एंड विकास, और ये दोनों बहुत आर्डेंट फॉलोअर्स हैं बिग बॉस के, मुझसे ज़्यादा. इनफैक्ट आई टेल हर नॉट टू वॉच, बिकॉज कई बार बड़े ऐसे धमाकेदार चीज़ें होती हैं कि मुझे लगता है बच्चों को नहीं देखना चाहिए. फैमिली शो नहीं. या बट शिया, व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट बिग बॉस? व्हाट डू यू से? हू इज योर फेवरेट? शिल्पा. शिल्पा. एंड व्हाई? व्हाई इज शिल्पा योर फेवरेट? बिकॉज़ शी इज मास्टरमाइंड. शी इज मास्टरमाइंड. ओके. आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट अंजलि. व्हेन शी इज वॉचिंग बिग बॉस, शी इज लाइक, ये क्या कर रही है, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, एज इफ लाइक दे कैन हियर हर. एंड शी इज लाइक, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल, द ऑडियंस, द रियल ऑडियंस एक्चुअली टॉक्स लाइक दैट.
am like wondering why is she talking like this. So she has inputs, lot of inputs. So when I don't like anything about say Shilpa or say about Vikas, Hina, so I don't. So my reaction is like, why are you doing it? And Rajiv is sometimes we are there together and he's like, why are you getting hassled? It's okay. I said, no, you know, you get into that house because you're there from the first day. So I think, yes, Vikas is the favorite. Anything else you want to say? Who do you think will be the winner? Vikas. Vikas or Shilpa. I mean, they are my favorites. They're really doing well. Very well. See, I think my journey was very difficult because of obvious reasons, because I had somebody in the house who was, it was a very difficult journey. Otherwise, I think it the house can be a lot of fun, can be a lot of masti. But abhi jab main is season mein dekh raha hu, tab bhi kai logon ke liye bada stressful hai, kyunki Shilpa aur Vikas ki ek history thi, aur wo ek feelings badi mixed thi, unke liye bhi wo ek dushman samne hai, ya dost hai. Hina ke liye, I don't know her personally, so मुझे नहीं पता कि वो in real life कैसी हैं. लेकिन वो बड़ी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना hyper क्यों हो रही हैं show में. Because कई लोग बड़े hyper हो जाते हैं. Hiten, I expected him to talk little more. I think he went little on Rahul Roy mode, which is again not easy. Because जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं आपके हर तरफ मसाला और चटनी और पकोड़े पड़े हुए हैं और आप उसका जायका ना चखो. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. सो हैट्स ऑफ टू हितेन दैट ही डिड व्हाट ही डिड. एंड बेस्ट थिंग वाज यूजुअली होता है कि लड़के लड़कियों पे हावी हो जाते हैं, बट आरशी बहुत हावी हो रही थी हितेन पे. सो आई फाउंड दैट वेरी क्यूट एंड फनी एंड अम्यूजिंग बिकॉज शी वाज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड हितेन वाज लाइक टच मी नॉट एंड वेरी फनी एंड क्यूट. आई थिंक लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई हितेन की. I think Akash and Punish are very, very irritating, and I can say this. I don't know them personally, and I don't want to know them. Itna hyper, itna abusive nahi hona chahiye. It's very bad. Rest everybody else is pretty good. I think ab jo bache hain Shilpa, I think Hina can also calm down a bit. Wo bahut hyper hoti hain. Mujhe hyper log pasand nahi aate. She's very pretty. She looks like a very pretty girl, and she probably is. I expected her to be handling situations hoti hain. रियल लाइफ में भी होती हैं, हर रोज़ होती हैं, लेकिन उसको हैंडल आप कैसे करते हो, इवेंचुअली दैट्स व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट. एंड आई शुड बी द लास्ट वन गिविंग एडवाइस टू पीपल बिकॉज आई थिंक लोगों की नज़र में मैं हाइपर हुआ था, बट इन द एंड आई मेड सम फ्रेंड्स. यू विन सम, यू लूज सम, बट हाँ, जो दोस्ती और दुश्मनी शो में होती है वो कैरी फॉरवर्ड ज़रूर होती है, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होती है. मतलब आई विल जस्ट से वन थिंग कि उस शो से सिर्फ मेरा एक ही दो ही दोस्त हैं, Sana and Navjot Singh Sidhu. So these are two people that I'm still in touch with and I love them. And of course Salman. I love that guy. And he's been so good. So Salman ke show mein main tha, ab main chahunga ki Salman mere show mein aaye. Ab Tiger Zinda hai to aa chuki hai. Koi bhi film wo promote karna chahe kyunki hamara show chalte rahega, wo jab bhi aana chahe, I'll be very happy to welcome him in our show. शायद खाना आ गया है और बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो अब डिनर शुरू करें. Absolutely. I'm trying something new, a bulb mocktail, because I'm not drinking alcohol today, so I'm going to have a mocktail, and so you can mock me for this, but let's see. They're saying it's really good, so I think it will be. Okay, I'm sure. He's making it, so let's see. It looks amazing, isn't it? Okay, so
राजीव कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? आई होप आपका न्यू ईयर थोड़ा सा हमने बेटर किया। एब्सोल्युटली यार, मुंबई में बहुत कम जगह हैं जो ओपन टू एयर हों, जहाँ एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो एंड नाइस फूड, नाइस एम्बियंस। इट्स रियली नाइस एंड यू सिटिंग विद फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू नेहा, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी टू अ डिफरेंट प्लेस, सो इट्स एंजॉयबल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। Also, 2018 में क्या प्लान्स है, क्या सोचा है, नया साल है, प्रोफेशनली पर्सनली क्या सोचा है? अभी ये शो तो चल ही रहा है, होपफुली इस वक्त वी आर ट्राइंग टू कम इन द टॉप 10 एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर विल बी द नंबर वन शो ऑफ द कंट्री एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिलीज माई सेकेंड बुक। आई रिलीज माई फर्स्ट बुक कपल ऑफ ईयर्स बैक, मुंबई मोहब्बत और तनाई, तो अब मैं सेकेंड बुक लेके आऊँगा जो 2018 में रिलीज होगी। It's been a while and now I think 2018 I'll come up with a new book also and there's some other surprise also. Acha, lastly jaate jaate Telly Masala ke viewers ko wish kar dijiye, naya saal hai. Telly Masala ke sabhi viewers ko Rajiv Paul ki taraf se naye saal ki hardik shubhkamnaye. अपनों के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, उनको कभी नहीं भूलें और खुश रहें, एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।